हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन करी की रेसिपी, जो कि खाने में तो बहुत टेस्टी होती है, साथ के साथ बहुत ही हेल्दी होती है। सोयाबीन आपकी हार्ट संबंधी बीमारियों को कम करता है। ये देखिए सोयाबीन है, इस तरह के ये छोटे छोटे दाने होते हैं और इनको मैं अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भीगने के लिए रख दूँगी, सोक करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको हम बॉयल करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी इसके फ़ायदे। सोयाबीन हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, इनमें आपको काफ़ी प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, तो ये हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है, कई प्रकार के कैंसर से भी ये हमें बचाता है। तो क्यों ना हम इसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो इसे सबसे पहले मैंने वॉश करके अच्छी तरह से सोक किया 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें 4 विसल लगा ली है प्रेशर कुकर में डाल के। आधा कप था तो मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसमें 4 विसल आने तक इसको बॉईल कर लिया है प्रेशर कुकर में। अब हम इसे बना लेते हैं। हम इसकी करी बना रहे हैं, तो करी बनाने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा ऑयल लेंगे। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आप इस तरह का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल में इसे बनाएंगे थोड़ी सी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 2-3 चम्मच ऑयल लिया है, 2-3 छोटी चम्मच, और उसमें 1/2 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है, पिंच ऑफ हींग ऐड की है, 1 चुटकी हींग ऐड की है। तो जैसे ही आपका मस्टर्ड ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें आप 1/2 चम्मच जीरा डालें और 1 चुटकी हींग डाल दें। जीरा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल की क्वान्टिटी आप और कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच ऑयल लिया है, आप इसे 1 चम्मच में बना सकते हैं या आप इसे 2 छोटे चम्मच में बना सकते हैं। ऑयल आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें या ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो ये काफ़ी हेल्दी बनेगा। प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है मैंने 1/2 चम्मच यहाँ पे। इसे ही भून लेते हैं। इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। साथ ही में हम 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ वो ऐड कर लेंगे। देखिए प्याज भून चुकी है, तो अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप चाहें तो बॉईल करते टाइम भी थोड़ा सा नमक आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक बॉईल करते टाइम डाल दिया था, थोड़ा नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और अब इसे मिक्स करेंगे। मसाले भी आप इसमें थोड़े कम डालें तो थोड़ी सी ये हेल्दी बनेगी। आप बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा नमक मिर्च इसमें कर सकते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जिस पानी में मैंने इसे बॉईल किया है उसी में से मैं थोड़ा सा पानी निकाल के यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिससे मसाले हमारे इवनली कुक हो जाएंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच यहाँ पे पानी डाल दिया है इसमें, और इसे अब 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे ये टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा बन के रेडी हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। तो मसाला भून गया है, अब इसमें हम सोयाबीन ऐड करेंगे। उबले हुए सोयाबीन मेरे पास हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सोक करके भी सोयाबीन को इस तरह से ऐड कर लें, लेकिन वो आपको थोड़ी ज़्यादा देर तक पकाने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे सोयाबीन ऐड कर दिए हैं। सोयाबीन को जब मैंने बॉईल किया था थोड़ा सा पानी इसमें एक्स्ट्रा था, वो पानी आप फेंके ना, वो पानी भी आप इसमें ऐड कर लें। और अब इसको कवर करके हम 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अगर आप इसे डायरेक्ट सोक करके ऐड करते हैं, अगर आप इसे प्रेशर कुकर में नहीं पका के ऐड करेंगे, तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएँ कवर करके। तो मैंने इसको 4 मिनट के लिए कवर करके पका लिया है, और हमारी ये सोयाबीन करी रेडी है। इसमें मैं 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्च ऐसे ही मैंने डाली है शो के लिए, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, और आप चाहें तो इसे इस तरह से ड्राई ड्राई रख सकते हैं, लेकिन हमने इसे करी रखा है, करी बनाया है, तो मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें करी बनाऊंगी।
आप इसे इस तरह से ड्राई भी बनाएंगे तो आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे तो आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने तकरीबन आधा कप पानी यहाँ ऐड किया है और अब इसमें बॉईल आने देते हैं। बस अब इसको फ्लेम ऑफ़ करके हम रख देते हैं। बॉईल आ चुका है, फ्लेम ऑफ़ करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। हमारी सोयाबीन की करी बनके रेडी है। बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें और ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है सोयाबीन। तो आप इसे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये और बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।